वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3,50,000 रुपए में पूरी 10 साल के लिए एटलीस्ट उसकी बिजली के बिल से जान छूट जाएगी? बिल्कुल सर। क्या वापडा को वाकई स्टैंड बाय ले जाएगा? तो वो जो पैनल है वो एवरेज आप बता रहे थे कि 3 पॉइंट समथिंग यूनिट क्रिएट करता है डेली, तो इसका मतलब है कि एक जो आपका छोटा मैजिक बॉक्स है वो 100 यूनिट क्रिएट करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपके सामने एक ऐसा मैजिक बॉक्स लेके आए हैं जो हैरान कर देगा आपको कि जो हमारे हम लोग जो बड़े घरों वाले हैं कनाल दो कनाल के या जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, आज के जो बुरान आया हुआ है जो किचन इकोनॉमी हमारी हिट कर दी है बिजली के बिलों ने और गैस के बिलों ने, उसमें ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं उसमें आम जो ऐसा तबका है जिसकी इनकम बहुत अच्छी है जिसके पास सेविंग पड़ी हुई है, उसने तो अपने अपने घरों में सोलर लगा लिए हैं, लेकिन वो वाला तबका जो 100 यूनिट कंज्यूम करता है बड़ी कंजूसी के साथ, 200 यूनिट कंज्यूम करता है या 300 यूनिट कंज्यूम करता है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या हल है, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको क्या करना चाहिए, और ऐसे जो तबका है जो बेचारे बिल्कुल जिनकी इनकम ही उतनी है जितनी उनका बिजली का बिल आ रहा है, तो उन्होंने किस तरह से सर्वाइव करना है, किस तरह से सस्टेन करना है। तो मेरे साथ आज गेट टेक्नोलॉजीज के चीफ इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी तगोदो के साथ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक मेरी ही इंस्ट्रक्शन पे मैंने ही उन्हें रिक्वेस्ट किया कि इस तबके के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, उनको कुछ सोल्यूशन देना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक मैजिक बॉक्स बनाया जिसके बारे में आज बात करेंगे। वेलकम टू पॉडकास्ट इंजीनियर नवाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक थैंक यू, हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से नीचे जा रहा था तो हमारा जो सफाई करने वाला है शहजाद, जी वो बिल लेके अपना खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गया कि उसकी उतनी सैलरी नहीं है जितना उसका बिल आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या क्या है, तो उसने कहा जी हम तो सिर्फ कंजूसी से एक पंखा इस्तेमाल करते हैं और 4 लाइटें जलती हैं, तो ये मामला हुआ है कि हमारा तो इतना बिल आ रहा है। और वो अभी मोहसिन नकवी साहब ने जो पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और अब जो है वो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि इतना करोड़ यूनिट जो है वो ज्यादा डाला गया और उस तबके को भी डाला गया है जो तबका बेचारा गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे था। तो मैंने उसी दिन खैर शहजाद से कहा कि ठीक है आप वापडा को स्टैंड बाई ले जाओगे और आपको मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप एक ऐसा बॉक्स तैयार करके दो कि जिस पे इसका एक पंखा और 4 बल्ब चल जाएं। तो ये बताएं कि ये जर्नी जो है ये कैसे कंप्लीट हुई, कैसे आपने ये मैजिक बॉक्स सोलर होम सिस्टम जो है इसको इसके ऊपर काम किया? सर देखिए, असल में एनर्जी जो है ना, ये हमेशा से इंसानों की ज़रूरत रही है। हर दौर के अंदर एनर्जी की फॉर्म्स बदलती हैं, और आज के दौर की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की फॉर्म में जो एनर्जी है वो हर इंसान की ज़रूरत है, वह चाहे छोटा घर है चाहे कोई बड़ा घर है। लेकिन अब जो हमारी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, उसके अंदर ये जो छोटा तबका है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेचारा पिस गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। नेपरा के डॉक्यूमेंट के मुताबिक पिछले साल 2023 जून के अंदर जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 43,000 मेगावाट हमारी जनरेशन कैपेसिटी है, गवर्नमेंट के जो अपने पावर प्लांट्स हैं या IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन और हमारे पीक आवर्स के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है 22-23 हज़ार मेगावाट की। इट मीन के 100% जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद हम फेस कर रहे हैं लोड शेडिंग को और बाकी सारी चीज़ों को। अब उसकी वजह बहुत सारी और वजूहत भी हैं, और पैदा ना करने की वजह से बिजली के जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन आगे जो हमारा कंज्यूमर है बेचारा, वो कंज्यूमर उस बिजली के पैसे पे करता है बिलों की फॉर्म में जो उसने कभी यूज ही नहीं की, जो कभी बनी नहीं है। इसका अब मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं आसान लफ्जों में कि जब बंद होता है यूनिट IPPs का तो उस वक्त भी जो कैपेसिटी चार्जेस के मद में हम पैसे देते हैं वो भी हम पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 67% बिलों के अंदर वो हम बिल पे करते हैं जो कभी ना बिजली बनी है
ना बिजली ट्रांसमिट हुई है ना बिजली कंज्यूम अच्छा, हुई है। हम इधर आते हैं जरा मैजिक बॉक्स की तरफ आते हैं। अब इसकी वजह से हमने उस तबके को एड्रेस किया, आपने हमें कहा, तो हमने इसका ये किया कि हमने एक मैजिक बॉक्स बनाया या एक इसको सोलर होम सिस्टम का हमने नाम दिया। हमने ये एक सिस्टम डिजाइन किया जिसको हमने सोलर पावर सिस्टम या सोलर होम सिस्टम का नाम दिया। अब इसके अंदर जो एक छोटा घर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके पंखे हैं और उसकी लाइट्स हैं, वो इस सिस्टम के अंदर वो फुल डे टाइम और तकरीबन 10 से 12 घंटे बैकअप हमने, मतलब रात को भी और दिन को भी। अच्छा, रात के लिए आपने क्या मैकेनिज्म यूज किया? रात को, दिन को तो हमें समझ में आती है कि सोलर जो है वो बिजली दे देगा और वो यूज हो जाएगा, उसका पंखा चल जाएगा। अब नाइट टाइम के लिए हमने इसके अंदर जो बैकअप दिया वो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी का दिया। कि अब एक तो ये बैटरी है एफिशिएंट और दूसरा कॉन्साइज है इसका, जो कॉम्पैक्ट साइज है, साइज बहुत छोटा है लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और बैटरी इसी बॉक्स के अंदर हमने डाल दी और इस सेल की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट मोर देन 4000 साइकल्स, 12 से 15 साल इसकी लाइफ है। अब जो छोटा घर इसको यूज करेगा वो 10-12 साल बिलों की मद में वो फ्री हो गया। उसने इसका मतलब ये है कि वो वाडा को बैकअप पे ले जाएगा। बिल्कुल। और ये जो है इसमें आपने जो डिजाइन किया है इसमें आप साथ डीसी पंखा और डीसी लाइटें भी साथ जी, हमने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है उसके अंदर 4 बल्ब और 2 उसके अंदर फैन, चाहे वो पेडिस्टल फैन हो जाए, सीलिंग फैन हो जाए या वॉल ब्रैकेट फैन हो जाए, कुछ भी फैन आप इस पे यूज करें तो ये ऑलमोस्ट कोई पूरी रात का बैकअप ये देगा सिस्टम। हमने इस सिस्टम को बड़ा यूजर फ्रेंडली रखा है कि जस्ट प्लग एंड प्ले। अब अगर इस सिस्टम को अगर आप दिखा सकें तो ये देखिए, मतलब ये एक तो हैंडी है, मैं देख रहा हूँ, है वजनी वैसे काफी है जी। और ये इसकी क्या है, ये इसके अंदर जो बैटरी लगी है जी, ये लिथियम आयन फास्फेट, ये वाली जी, ये दिस इज नेक्स्ट फ्यूल। इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि लिथियम आयन फास्फेट नेक्स्ट फ्यूल क्यों है। ये इसलिए है कि चाइना की मोर देन 50% इवन ट्रांसपोर्ट इस के ऊपर शिफ्ट हो गई है, चार्जिंग ईवी जो आगे रेवोल्यूशन जो दुनिया में आ रहा है वो सारा आपका पेट्रोल खत्म हो रहा है और सारा इसकी चार्जिंग के ऊपर आ रहा है, ये लिथियम आयन फास्फेट। और यही जब जुड़ती जाती हैं तो ये एक बैटरी की शक्ल इख्तियार करती है। तो आपने मतलब इसको रोबस्ट किस्म का ये सलूशन, मैंने मुझे याद है कहा था कि ऐसा सलूशन बनाएं कि बस खराबी ना हो, जो चार्ज कंट्रोलर है, जो बैटरी है, उसकी लाइफ है, उसकी जो प्लग एंड प्ले का मैकेनिज्म है, पूरा एक मैजिक बॉक्स हो, उसके अंदर ही पैनल हो, उसके अंदर ही सारा वो जो ये पूरा सिस्टम हो। तो ये क्या वाडा को वाकई स्टैंड बाय ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा सर। देखें इसका सिंपली ये है कि आपने सोलर पैनल कनेक्ट करना है और बाकी अपने जो अप्लायंसेज हैं, फैन हैं या आपके बल्ब्स हैं, लाइट्स जो भी हैं, आपने उसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो ये आप इसको यूज करें। अच्छा, हम साथ विंडो में ये दिखा भी देते हैं कि किस तरह फैन चलता है, किस तरह। अच्छा, ये बता दें, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगी लोगों को कि डीसी क्यों डिजाइन किया आपने, एसी जो आम घरों में अप्लायंसेज होते हैं उस पे क्यों नहीं इसको डिजाइन किया? असल में सर, जब हम कन्वर्जन की तरफ जाते हैं ना, सोलर पैनल जो है ना वो डीसी वोल्ट जनरेट करता है, उसकी जो पावर होती है वो डीसी के अंदर होती है। जब हम उसको एक दफा बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं, फिर जब उसको कन्वर्ट करते हैं, जब कन्वर्जन के लॉसेज होते हैं, अब इसलिए हमने उसको डायरेक्ट बैटरी ऑपरेट करवा रही है बेसिकली। जब हम सोलर से बैटरी को चार्ज किया और बैटरी से डायरेक्ट जो हमारे अप्लायंसेज है वो चल रही है, तो जब कन्वर्जन के अंदर जाते हैं तो कन्वर्जन लॉसेज बढ़ जाते हैं। और फिर जो डीसी फैन है ये बड़े एफिशिएंट फैन है, छोटे फैन है, और इसकी हवा और बाकी जो लाइट है वो डीसी, उसके अंदर कन्वर्जन लॉसेज जो लाइट और फैन के अंदर है वो भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एफिशिएंसी इसकी मजीद बढ़ जाती है। बाकी इसका है कि अगर एसी पे कन्वर्ट भी करना चाहे तो वो मॉड्यूल भी ऐड करके उसको एसी पे कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक और भी मुझे जो समझ में आती है कि जब आम एक कंज्यूमर को आप देंगे ये वाला मैजिक बॉक्स डिब्बा देंगे, तो उसमें वो फिर क्योंकि एसी अप्लायंसेज उसके घर में होते हैं तो फिर इस्त्री भी लगाने की कोशिश करेगा और दूसरी अप्लायंसेज लगाने की कोशिश करेगा, तो आपने उससे भी अवॉइड किया। इसलिए हमने इसके अंदर प्रोविजन ये रखी है कि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दे दी हमने इसके बॉक्स के अंदर ही, कि 2 मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स जो कि हर एक की जरूरत है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स दे दी है, फैन और बल्ब की पोर्ट्स दे दी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज इसके अंदर नहीं लग सकेगी एसी, जो डायरेक्ट 220 वोल्ट ऑपरेटेड कोई चीज नहीं लगेगी। अच्छा, अब आप ये प्लीज बता दें कि एक जब आप 575 वाट का इसके साथ क्योंकि पैनल दे रहे हैं
तो वो जो पैनल है वो एवरेज आप बता रहे थे कि 3 पॉइंट समथिंग यूनिट क्रिएट करता है डेली, तो इसका मतलब है कि एक जो आपका छोटा मैजिक बॉक्स है वो 100 यूनिट क्रिएट करेगा, ऑलमोस्ट एक 1 month के अंदर 100 यूनिट। 100 यूनिट जी 100 यूनिट का जो कंज्यूमर है जी वो वापडा को पीटीसीएल बना सकता सी ऑफ है, कर दे वो मतलब स्टैंड बाय पे ले ऐसे जाएगा। ही इसका मतलब है अगर 100 यूनिट का आपका जो कॉस्टिंग मेरे सामने आ रही है वो ये है कि 100 यूनिट क्रिएट करने वाला जो बॉक्स है वो आप दे रहे हैं तकरीबन विद कंप्लीट एसेसरीज, पंखे और उसके साथ सोलर लाइट के पैनल और साथ और बल्ब्स सोलर पैनल के साथ और विद इसके साथ आप 1.5 लाख रुपए के यस लेंगे, सर और 200 यूनिट में आप फिर डबल वो डबल सोलर पैनल 575 वाट की 2 प्लेटें जी लगाएंगे। दो प्लेटें लग जाएंगी उसके अंदर आप अपने अप्लायंसेस बढ़ाना चाहते हैं अप्लायंसेस बढ़ा लें तो ठीक वो है, ऑलमोस्ट इससे डबल यूनिट जनरेट तो करेगा वो आपका आ रहा है 200 यूनिट जो क्रिएट करेगा वो 2.5 लाख रुपए का आ कंप्लीट रहा है आपका जो सिस्टम सिस्टम। उसमें पंखे भी हैं, उसमें तारे भी हैं, उसमें आपका ये पूरा बॉक्स भी है, बैटरी भी है और आपके सोलर सोलर पैनल पैनल भी भी है। और 300 का आपका कितने का तकरीबन आप कह रहे हैं जी, 300 का 3,50,000 तीन का, लाख चार ठीक है ना? तो 200 और 300, अच्छा 300 यूनिट वाला जो कंज्यूमर है वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3,50,000 रुपए में पूरी 10 साल के लिए एटलीस्ट उसकी बिजली के बिल से जान छूट जाएगी। बिल्कुल सर देखिए तो सोलर पैनल की जो वारंटी है 12 साल की सोलर पैनल की वारंटी है वैसे लाइफ 25 ईयर जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं 25 ईयर उसकी लाइफ लाइफ टाइम है पैनल की और 12 ईयर की वारंटी है। इस तरह हम जो बैटरी यूज कर रहे हैं बैटरी के लाइफ साइकिल जितने हैं वो भी ऑलमोस्ट कोई 12 ईयर उसकी लाइफ है तो इट मीन कि 10 से 12 साल उसको फ्री में बिजली मिलेगी हर हवाले से। थैंक यू सो मच इंजीनियर नवाज साहब, इंशाल्लाह इस तरह आगे हम पॉडकास्ट में इस पे जरूर बात करेंगे कि जो आजकल ऑन ग्रिड सॉल्यूशन लगा रहे हैं लोग तो वो क्या कर रहे हैं बेवकूफी, और आप मुझे बता रहे थे टेक्निकली कि हम अपनी जो बिजली वापडा को बेच रहे हैं वो पीक आवर में डबल करके अपनी बिजली वापस ले रहे हैं ऐसे उससे, तो बेसिकली वो फायदे की बजाय नुकसान दे रहा है। जी इसके ऊपर एक जरूर पॉडकास्ट करेंगे और फिर लिथियम आयन फास्फेट इस बैटरी के ऊपर करेंगे जो नेक्स्ट फ्यूल है, इसी तरह के और भी इंशाल्लाह ये इस लिस्टिंग में आप लोग हमसे जुड़े रहें, आपको प्रोग्राम इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे, नई नई इनोवेशन के बारे में बताते रहेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है अल्टरनेट एनर्जीज में वो बताते रहेंगे, विंडमिल पे भी हमने एक प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंजीनियर नवाज, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।